नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अक्सर आप लोग बड़े या दूसरों से ये कहते जरूर सुने होंगे कि खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, और दोस्तों छुई मुई छूते मुरझा क्यों जाता है। दोस्तों इसी वीडियो में कहीं पर एक बहुत ही तगड़ा सा सवाल है, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्या पता वो सवाल कहीं आपसे छूट ना जाए। लास्ट तक बने रहिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, कुत्ता अपने मुख से जीभ निकालकर सांस क्यों लेता है। दोस्तों कुत्ता अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर सांस लेता है, क्योंकि जीभ बाहर निकालकर सांस लेने से जीभ पर मौजूद जल का वाष्पीकरण होता रहता है। इस प्रक्रिया में जीभ से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ली जाती है और शरीर का ताप कम हो जाता है। नंबर दो, मिर्च खाने पर जलन क्यों होती है। दोस्तों मिर्च खाने से मुंह में जलन होती है, इस बात का पता तो एक छोटे से बच्चे को भी होगा। दरअसल मिर्च में एक कैप्साइसिन नाम का रसायन होता है। यह रसायन जीभ की सतह की कोशिकाओं में मौजूद रसायन से प्रतिक्रिया के बाद जलन पैदा करता है। दरअसल बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने पर मस्तिष्क को इसकी सूचना देने वाली कोशिकाएं ही मिर्च खाने पर जलन की अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। नंबर तीन, छुई मुई या लाजवंती का पौधा छूते ही मुरझा क्यों जाता है। दोस्तों छुई मुई की पत्तियां कई कोशिका की बनी होती हैं तथा इसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव के दाब से कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है तथा पर्णवृंत को खड़ा रखने में सहायक होता है। जब इन कोशिकाओं का द्रव दाब कम हो जाता है तो पर्णवृंत तथा पत्तियों की कोशिका को दृढ़ नहीं रख पाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है, एक संवेदी संवेश पर्णकों तथा पत्तियों के आधार तक पहुँचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिकाओं में दाब का परिवर्तन नहीं होता और इससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। नंबर चार, कैसे रंग देता है पान मुख को। दोस्तों पान बनाते समय कत्था व चूना लगाया जाता है। इस कत्थे में एक पदार्थ होता है जिसे कतेचू कहते हैं। यह कतेचू चूने से बने क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन से क्रिया करके कतेचू टैनिक अम्ल बनाता है। यह कतेचू टैनिक अम्ल लाल रंग का यौगिक होता है जो मुख को रंग देता है। नंबर पाँच, खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों आपने अक्सर बड़ों या दूसरों से ये कहते जरूर सुने होंगे कि खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के दौरान चबाया हुआ लारयुक्त भोजन निवालों के रूप में ग्लॉटिस से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। निवाला निगलते समय अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण एपिलोग्लाइटिस से सड़ जाता है, जिससे श्वास नली बंद हो जाती है और ग्लाइटिस फैलकर निवाले को ग्रास नली में जाने का मार्ग देता है। भोजन करते समय बोलने से श्वास नली में भोजन के कण फंस सकते हैं। इन कणों के द्वारा श्वास नली में उत्तेजन होते ही प्रतिवर्ती क्रिया के कारण खांसी हो सकती है। भोजन का बड़ा टुकड़ा फंसने से दम भी घुट सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते अगली वीडियो में।